बच्चा लोग अब एक्सरसाइज का 10.7 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स मजेदार समय यार, लेकिन वो अपना डायलॉग है ना, चित्र विद्यार्थी के मित्र, वही वाली बात है। अच्छा चित्र समझ में आया तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना सिर्फ रट्टो रट्टा मारो और क्या है, प्रेशर फील करो तो नहीं, फील करना है ना प्रेशर, समझना है। चलो आ जाओ। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। क्या मतलब है इसका? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है भाई, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देखो ये रहा आपका S1, ये रहा आपका S2, यहां पे होता है स्क्रीन, यहां से आया लाइट, यहां से भी आया लाइट, हाँ, और यहां पे होता है मिडल लाइन जहां सेंट्रल मैक्सिमम दिखता है अपने को, डन। फिर इसके ऊपर डार्क फ्रिंज दिखता है, फिर इसके ऊपर वापस लाइट फ्रिंज दिखता है, यही सब दिखता है ना आपको, देखे हो कभी? नहीं सर, वो तो रह गया, सिर्फ पढ़े हैं, ठीक है बाद में देख लेंगे अगले लेक्चर में, कहीं दिखाऊंगा। ऐसा नीचे भी बनता है ना, ठीक है चलो। और ये डिस्टेंस क्या दिया इन्होंने? 1 मीटर। अब क्या बोला है? द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। किसी फ्रिंज की बात कर लो, कोई फ्रिंज को टारगेट कर लो, जैसे ये वाला फ्रिंज है, इसका एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ मतलब ये वाला एंगल, यहां से ये वाला एंगल बोल रहे हैं लोग, थीटा, इसकी बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये एंगुलर विड्थ मतलब ये थीटा कितना बन रहा है, तो ये थीटा जो बन रहा है आपका 0.2 डिग्री है, ओके। ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, ये रहा अपना स्क्रीन, ठीक है चलो। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ क्या यूज हुआ इसमें? 600 नैनोमीटर, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल एपरेटस इज इमर्ज्ड इनटू द वाटर। ये पूरा का पूरा तामझाम है ना, उठाओ और पानी में डालो, ऐसे का ऐसा, तो इस एंगुलर विड्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, कितना पड़ेगा तो वही दिखाना है अपने को। ये पूरा जो तामझाम है आपका एपरेटस है, इसको पूरा उठाओ और पानी के अंदर डाल दो। देख यार, सीधी पानी के अंदर डालने से ना लेमड़ा बदल जाएगा, हम जानते हैं ना लेमड़ा के बारे में कि लेमड़ा, देखो पानी के अंदर डाला तो लेमड़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडेक्स। जब ये एपरेटस, ये पूरा साधन आपका हवा में है, तब ये जो वेव लेंथ कुछ अलग होगा, और ये सारा पानी में डालोगे तो वेव लेंथ अलग होगा, तो उनके रिलेशन ऐसे ही दिखाते ना हम, लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2 N2 अपॉन N1। एक तो ये मिल गया रिलेशन पानी में डुबाने से, एक तो ये फर्क पड़ेगा। अब वो बोल रहे एंगुलर विड्थ क्या होगा? थीटा 2 होगा, नाम दे के रख लो, पता नहीं है, नया वेवलेंथ भी पता तो नहीं है अपने को, लेकिन कुछ इक्वेशन बना दिया अपन ने। अब सबसे बड़ा है, थीटा का कुछ इक्वेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस डिस्टेंस को अपन एक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? और x मीन्स क्या होता है? लेमड़ा d बाय डी, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? d। तो आप देखो गौर से, टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, पानी में डुबाया नहीं डुबाया वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ का गणित दिखा रहा हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा एंगल बहुत छोटा है, 0.2 डिग्री है, कुछ नहीं है, तो टेन को हटाए यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, और एक्स का फॉर्मूला क्या है? लेमड़ा डी अपॉन डी, डी डी कैंसिल, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमड़ा। ये स्मॉल डी नहीं बदलेगा ना, ये पूरा एपरेटस उठा के पानी में डालोगे तो ये वाला डिस्टेंस जो इसको स्मॉल डी बोलते हैं, ये थोड़ी बदलेगा, इन बीच के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, वो थोड़ी बदलेगा, तो कॉन्स्टेंट है। तो थीटा इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन दी लेमड़ा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2। अभी जो लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2 है उसका वैल्यू ये रहा ना, लगा दे उठा के, तो फिर इतना इजी तो कभी नहीं पढ़ा है रे, खत्म। अब चलो आओ मैदान में। थीटा 1 क्या है आपका? 0.2 डिग्री। थीटा 2 पता नहीं साहब। N2 क्या है? N2 मतलब ये रहा ना वाटर का इंडेक्स, 4/3, और N1 क्या है? हवा का इंडेक्स, दैट इज 1। योर थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो,
0.2 डिग्री इंटू 3/4। अब इसको आगे भी सॉल्व करवाना पड़े ना, तो एक बात ध्यान रखो दोस्तों कि नहीं सर आप इसके आगे का भी सॉल्व करवा के दो, तो जिस पानी में इस साधन को डुबाया ना उसी पानी में डूबो। 12वीं में पढ़ते हो आप, 12th स्टैंडर्ड में, चाहते हो कि इसके आगे का भी सर सॉल्व करें, तो जिस पानी में इस एपरेटस को डुबाया है वही पानी आपके लिए भी अवेलेबल है। लगाओ डुबकी, काम तमाम। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी आओ जो टाटा।